हेलो उत्तरायण फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो फटाक से लाइक से सब्सक्राइब मार दो यार, मतलब बटन दिख रहा है ना, तो बस दबा दो, दबा के मारो, जो जो कुछ मार सकते हो मारो, क्योंकि ज़रूरी है। तुम लोग का सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। काफ़ी सारे लोग आज काफ़ी खुश भी थे कि वीडियो जल्दी आ गया। जल्दी इसलिए आया था कि मैं कहीं जा रहा था। अब मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कहाँ गया था, बट मैं गया था कहीं, तो उस बेसिस पे मैंने वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना लिया था और इसीलिए तुम लोग को वीडियो जल्दी मिल गया। तो तुम लोग के लिए कॉम्प्लीमेंट जो तुम लोगों ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बट हर रोज़ ऐसा नहीं हो सकता है। बट हाँ, दबा के अगर तुम लोग मारते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जल्दी वीडियो आ जाए। तो चलो आ जाते हैं अब सीधे ही पिछले एपिसोड पे और देख लेते हैं कैसा था पिछला एपिसोड। तुम लोग को पता है पिछला एपिसोड कैसा था, एकदम ख़तरनाक, शानदार, ताबड़तोड़। भाई देखा हुआ होता है हमने जोयान को, जो कि यहाँ पे बैटल देख रहा था। बैटल किसके बीच चल रही थी? बैटल चल रही होती है, क्या नाम था इसका, हाँ, जिन डोंगमिंग और उसके स्लैब का क्या नाम था भाई, नाम भूल गया मुझे उस स्लैब का। लेकिन हाँ, जो जिन कैंग था उसके स्लैब के साथ फाइट चल रही थी, जहाँ पे जो स्लैब होता है जिन कैंग का, वो आराम से जिन डोंगमिंग को हरा देता है, क्योंकि जिन डोंगमिंग उतना स्ट्रांग था नहीं, ना ही वो अपनी पावर को अच्छी तरीके से शो कर पा रहा था। साथ ही इसने बड़ी ईचिली जिन डोंगमिंग को हराया था। यहाँ तक कि जिन डोंगमिंग ने ट्राई किया होता है अपने 9 कुलडोन को निकाल कर उससे फाइट करने का पूरा नाकाम प्रयास, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ खास। हालांकि जिन डोंगमिंग के हारने के बाद ये जो फाइट होती है, इसमें सट्टा लगने लगता है वापस से जिन गैंग के ऊपर। सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उसी टाइम पे हमने देखा होता है कि बैटल स्टार्ट होती है और जोयान बैटल में आ जाता है। जोयान के बैटल में आते ही जोयान इसे बहुत बुरी तरीके से पेलता है। ऐसे पेलता है भाई कि मतलब चलने ही नहीं दे रहा था उसकी, ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई औकात ही नहीं है। और होता भी वही है जो हमें पता था, मतलब कि जिन डोंगमिंग जो होता है वो इजीली, जोयान जो होता है वो इजीली इसे हरा देता है। जोयान के हराते अचानक ही चारों तरफ शोर शराबा मच गया होता है, क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं था कि बैटल में ऐसा चेंज भी आ सकता है। सभी लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि अगर गलती से जोंगमिंग जीत गया, जोगुन जोंगु जीत गया, तो फिर क्या होगा, पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा, सबकी फटकर फ्लावर पॉट हो रही होती है। यहाँ तक कि जिन कैंग भी काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पे नाराज हो रहा होता है, तभी उसके बगल वाला बंदा कहता है कि अपने स्लैब को मरवाने का कोई अच्छा ऑप्शन नहीं, इसके बजाय मुझे लगता है कि तुम अपने सेकंड स्लैब को भेज सकते हो, आखिरकार वो काफ़ी स्ट्रांग है। और एपिसोड में वहीं एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, तो और देखते हैं कि क्या जोयान उसके सेकंड स्लैब को पेल पाएगा या खुद पेल दिया जाएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं जो काफ़ी नाराज होते हैं और ये चीख चिल्ला रहे होते हैं और जिन कैंग दाऊजी के ऊपर गालियों की बौछार कर रहे होते हैं। तभी इनमें से एक कहता है, क्या जिन कैंग दाऊजी हार एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर ऐसा होगा तो क्या हमारे सारे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट बर्बाद नहीं हो जाएंगे और हम कंगाल नहीं हो जाएंगे? जो देखकर अगला बंदा तुरंत ही कहता है, अरे पागल हो क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्या तुमने देखा नहीं, यह तुम्हें पता नहीं चला क्या कि जिन कॉन्ग दाऊजी ने हाल ही में एक 9 स्टेप के डिवाइन स्लैब को खरीदा है। भले ही लॉन्ग बियाओ एक डिवाइन स्लैब था जो कि हार गया, लेकिन ऑब्वियसली वो 9 स्टेप का जो डिवाइन स्लैब है वो कभी भी इनके सामने हार नहीं मानेगा। और हंगामे में किसी जानकार पर्सन ने तुरंत ही हॉल ऑफ ऑल अलायंस की खबर को यहाँ पे सभी को बता दिया होता है, जिसके बाद जिन कैंग तुरंत ही कहता, लॉन्ग बियाओ, क्या तुमने यह जानबूझ कर किया या तुम सचमुच हार गए? जिन कैंग ने धीमी आवाज में पूछा हुआ होता है, जो देखकर लॉन्ग बियाओ तुरंत ही कहता, मैं सचमुच हार गया था, और अगर मैंने अपनी जान नहीं बचाई होती तो मैं अपनी जान खो देता, लॉन्ग बियाओ झिझकते हुए ऐसा कह रहा होता है। साथ ही उसने जोयान के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं बताई थी, ना ही उसकी कोई स्पेशल पावर या टेक्नोलॉजी या टेक्निक। जो देखकर लॉन्ग बियाओ की तरफ देखते हुए जिन कैंग तुरंत ही कहता, आप वास्तव में एक हारे हुए व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि मॉन्स्टर शैटरिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड और हार्ड शैटरिंग थंडर ड्रम भी आपके हाथ में था, फिर भी आप उसे हरा नहीं पाए। ऐसा लगता है कि आपके पास अब जीतने की स्ट्रेंथ नहीं, तो क्योंकि आप अब इसके लायक नहीं, तो मुझे लगता है कि आपके पास ये चीज़ें होना बेकार है, बल्कि इन चीज़ों को तो अब दूसरे लोगों को दे देना चाहिए। जिन कैंग के पीछे काफ़ी सारी फिगर्स खड़ी हुई होती हैं और ऑब्वियसली ये सभी लोग भी जिन कैंग के डिवाइन स्लैब थे, और इनमें से किसी की भी ताकत कम नहीं थी। इस वजह से जिन कैंग के जो पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और हाई लेवल पर थी। और अब जबकि जिन कैंग के पास 9 स्टेप का एम्प्रे मॉडल लेवल का डिवाइन स्लैब था, तो जिन कैंग अपनी ताकत को सुधार सकता था, यानी कि जिन कैंग की सारी गलतियों को, भले ही जिन कैंग हार रहा हो वो उसे जिता सकता था। भला कौन ही ऐसा बंदा होगा जो 9 स्टेप के एम्प्रे मॉडल लेवल के डिवाइन स्लैब को हरा पाए? कम से कम जिन कैंग तो इस बात पे विश्वास नहीं करता। जिसके बाद जिन कैंग तुरंत ही कहता है, जिन झोंगू के इन दो डिवाइन स्लैब्स को लेने के बाद मुझे इस जगह पर
दाओजीज में नंबर वन कहा जाएगा। और ऐसे कहते हैं जिनके अंग अपने दांत पीसता है और फिर तियान सून की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर कोई भी इंप्रेशन नहीं होते, जैसे कि उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तब ये तुरंत ही कहता है तियान सून जाओ और मैदान में उस बंदे को हरा दो। अगर तुम जीना चाहते हो तो फेल नहीं हो सकते वरना। और इतना कहते हुए जिनके अंग का दिमाग खिलता है और अचानक ही तियान सून के गर्दन पर स्लैब मार्क गर्म होने लगता है, जिससे उसकी बॉडी का जो ब्लड होता है वो बेचैन होने लगता है और कंट्रोल के बाहर। जो देखकर तियान सून एक पल के लिए शॉक हो चुका होता है, ऐसा लग रहा होता है उसकी बॉडी की सारी पावर ने उसका कंट्रोल खो दिया है। और ये सेल्फ डिस्ट्रैक्शन जैसी धमकी होती है, यहाँ तक कि एजो और हार्ट के बाद भी तियान सून सेल्फ डिस्ट्रैक्शन से डरता है। वो तुरंत ही कहता है बास्टर्ड ये सीन बहुत अजीब है, और अगर ये मेरी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी तो मेरी पावर निश्चित तौर से फिर से गिर जाएगी, जिसके बाद डिवाइन इमॉर्टल लेवल तक पहुंचना ऑब्वियसली बहुत दूर हो जाएगा। तियान सून अपने दिल में बड़बड़ा रहा होता और मैदान में उस नकाब पोस्ट पर्सन को देख रहा होता जो कि ऑब्वियसली जोयान था। साथ ही जब तियान सून जोयान के ऑरे को महसूस करता है तो वो तुरंत ही कहता है सिर्फ 50 स्टेप। हालांकि तियान सून को कुछ भी अजीब नहीं लगा होता, लेकिन वो तुरंत ही लॉन्ग बियाओ की तरफ देखता है और उसे अब काफी अजीब महसूस होता है कि एक 7 स्टेप का बंदा 50 स्टेप के बंदे से हार कैसे सकता है। साथ ही अभी की फाइट को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इमॉर्टल पावर का बहुत कम यूज किया गया था, जो देखकर तियान सून तुरंत ही कहता है कैसा हो सकता है कि उसके पास एक इमॉर्टल बॉडी हो। जैसे ही तियान सून ये अपने दिल में सोच रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, आखिरकार एक इमॉर्टल बॉडी इतनी बार कैसे अपीयर हो सकती है। तभी अचानक एक आवाज आती है तियान सून तुम अभी तक क्यों नहीं हिले, क्या तुम डायमंड स्लैब सील का मार्क का स्वाद चखना चाहते हो। तियान सून जो एकदम स्टेबल होता है उसे देखकर जिन कैंग गुस्से में चमक उठता है, उसकी भौहें सीधा ही ऊपर उठ चुकी होती है और वो उसे डांटने लगता है। जो देखकर तियान सून अब इगोइस्टिक नहीं होता, क्योंकि अब जब बचने का कोई रास्ता नहीं था तो वो कुछ टाइम के लिए उसकी बातें सुन सकता था, और ये सोचकर कि उसे मारने के लिए केवल 50 स्टेप के एक बंदे को सौंपा गया तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वो तुरंत ही कहता है बिल्कुल मास्टर मैं अभी उसे मार कर आता हूँ। और तियान सून तुरंत ही अपने कदम को बढ़ाकर मुट्ठियां बांधकर रिस्पेक्टेडली ग्रीट करते हुए सीधा ही बैटल एरिना की तरफ कूद चुका होता है। इसे नहीं पता था कि ये मौत के समंदर में कूद चुका है। यहाँ पे जिन कैंग की भी जो आईब्रोस होती है थोड़ी सी ढीली हो चुकी होती है और वो अपने सिर को हिलाते और अगले ही पल तियान सून की फिगर काफी स्ट्रॉन्ग स्पीड के साथ वहां अपीयर होती है। उसकी बॉडी से दबाव पहले से ही महसूस किया जा सकता था, जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं 9 स्टेप एम्परर इमॉर्टल। ऑब्वियसली ये पावरफुल लोग उसका प्रेशर महसूस कर सकते थे जो वास्तव में काफी खतरनाक था। वे सभी तुरंत ही कहते तो ये बात वास्तव में सच है कि जिन कैंग दाऊजी ने एक डिवाइन स्लैब को खरीदा है जो फ्यूचर में उनकी पोजीशन को और हाई लेवल तक लेकर जाएगा, और वो 9 स्टेप का एम्परर इमॉर्टल है। तियान सून की फिगर के एरिना में कूदते हैं अचानक ही चाहो तब जैक कारी की आवाज आने लगती है। सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो चुके होते हैं, पूरा का पूरा डैमन स्लेब पैलेस फुंकार आवाजों से भरा हुआ लग रहा होता है। आसपास के पूरे एरिया में ये आवाजें चीखने जैसी होती हैं, और अब इसका सीन और काफी ज्यादा आइकॉनिक हो चुका होता है। इस टाइम पे इस पैलेस में काफी सारी फिगर्स और भी उड़ती हुई आ रही होती है और सूरा डिवाइन स्लेब हॉल आज बहुत ज्यादा बिजी लग रहा होता है। साथ ही मेन हॉल के ऊपर सबसे दूर और सबसे ऊपर एक फिगर का ग्रुप खड़ा हुआ होता है जिसे देखना लगभग इम्पॉसिबल है। साथ ही सीधे बैठे हुए पर्सन का चेहरा भी साफ तौर पर देखने पर समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये ग्रुप कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं लग रहा। तभी अचानक एक बंदा कहता है ग्रेट मास्टर को रिपोर्ट करते हुए दो दाऊजीज ने एक दूसरे को स्लैब बैटल के लिए चैलेंज किया है, इसीलिए यहाँ का माहौल इतना ज्यादा लाइवली है। तभी एक बंदा तुरंत ही कहता है क्या इमॉर्टल मॉन्स्टरेशियन ऑर्डर का एक्सचेंज किया गया है। जो देखकर एक बंदा तुरंत ही कहता है लास्ट वाले का एक्सचेंज झोंगू नाम के एक दाऊजी द्वारा किया गया है, और उससे पहले टोटल 10 इमॉर्टल मॉन्स्टरेशियन ऑर्डर का एक्सचेंज किया गया है। और ऐसा जवाब देते हुए ये बंदा अपना मुंह खोलता है। साथ ही वो तुरंत ही कहते हैं ये सिर्फ इतना है कि झोंगू दाऊजी 10 लोगों में से सबसे कमजोर है, उसकी पावर केवल 2nd स्टेप एम्परर मॉर्टल लेवल पर है, और चाहे ग्रेट मास्टर किसी भी उम्मीदवार को बदलना चाहे उस व्यक्ति की ताकत के साथ वो ऑब्वियसली एशियन गेट में इंटर करने में कैपेबल होगा, और वो ये एक अच्छा थॉट भी होगा। लेकिन अगर आप झोंगू को चुनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा ऑप्शन होगा, और इसका कोई इफेक्ट होगा वो सिर्फ उस पोजीशन और लोकेशन और रिसोर्सेज की बर्बादी होगी। साथ ही ये जो बोलने वाला पर्सन होता है भूरे बालों वाला दाढ़ी वाला एक खूसट बुड्ढा होता है जिसने एक बागा पहना हुआ होता है और उसकी आंखें चमक रही होती है, उसके पास सफेद रेशम होता है, साथ ही उसके चेहरे पे कोई सिकर नहीं और वो एकदम तीखी बिल्कुल किसी विलेन की तरह, आंखें ट्रायंगुलर और चेहरे के जो इंप्रेशन होते हैं एकदम यंग, तो बहन के घोड़े उसे बूढ़ा क्यों बोल रहा है। साथ ही जैसे इन लोगों ने बात करना खत्म किया होता अचानक ही एक और चौतरा फैल गया होता और हॉल में खड़े हुए सभी व्यक्तियों की ब्लड और एनर्जी अचानक ही वाइल्ड होने लगती है, यानी कि उबलने लगती है, कुछ लोगों के तो मुंह से खून आने लगा होता है। तभी वो तुरंत कहते हैं योहाने शांत हो जाइए, क्या आप वास्तव में इसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा कि इमॉर्टल मॉन्स्टर एशियन ऑर्डर चाहे किसी के भी पास हो इसे कोई भी छुड़ा सकता है,
और कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसीलिए महामहिम को शांत होना चाहिए। हम इसमें थोड़ा सा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सभी 10 लोगों ने स्वेच्छा से इसका एक्सचेंज किया है। बोलने वाला जो ये सफ़ेद बालों वाला पर्सन होता है, वो तुरंत ही रिस्पेक्टेडली अपने सामने वाले बंदे को ग्रीट कर रहा होता है। साथ ही तुरंत उठकर जल्दी से उन्हें प्रणाम करता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके मन में डर हो और वो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखकर टेंशन में हो। जो देखकर योहानेस तुरंत ही कहता है, सिचुएशन बहुत चिंताजनक है और अगर हम एक भी गलत कदम उठाते हैं तो हम सभी नष्ट हो जाएंगे। अब जब 10 लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो हमें उन्हें हॉल में बुलाना होगा, यहाँ तक एशियंट गेट पर उन्हें भेजना होगा और वहाँ पर लगी हुई सील को तोड़ने का रास्ता खोजना होगा। एक मोमेंट तक रोकने के बाद एक दूर की आवाज़ फिर से आती है और जैसे ये वर्ड गिरते हैं और एक बड़ी ताकत ने सभी को सीधे ही पैलेस के बाहर धकेल दिया होता है। सभी फिगर्स ने थोड़ा सा एम्बेरस होकर अपनी बॉडी को स्टेबल किया होता है। तभी वो बंदा तुरंत ही कहता है, वास्तव में हैरान करने वाली बात है, ये एशियन गेट को ओपन करने का एक तरीका है, लेकिन हम अभी भी इन कमजोर लोगों को वहाँ क्यों जाने दे रहे हैं? कैसे सफलता की संभावना और कम नहीं हो जाएगी? जो देखकर जो योहानेस होता है वो तुरंत ही कहता है, बकवास मत करो, हम यहाँ कैसे ही कुछ कह सकते हैं, तुम्हें इस ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब समझना चाहिए। हम बस वही कर सकते हैं जो ग्रेट गॉड ने अरेंज किया है और अब कम से कम हम लोगों को पकड़ तो रहे हैं। जाहिर है इन शक्तिशाली लोगों में जो इमॉर्टल मोस्ट एशियंट वर्ल्ड में इंटर कर चुके हैं उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया होगा। साथ ही इमॉर्टल मोस्ट एशियंट वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे भयानक होती जा रही है और लोगों की आमद बहुत गंभीर है। धीरे धीरे यह क्वांटिटी बढ़ेगी और कुछ लोग एकदम पागलपन से रिसोर्सेज के लिए लूटपाट करेंगे। साथ ही सबसे एरोगेंट लोग टैक्सो वर्ल्ड के लोग हैं जो रिसोर्सेज को लूटते हैं और उसके लिए वो बड़े बड़े जायंट बीस्ट के साथ यहाँ एंटर करते हैं। साथ ही उन्होंने जहाँ जहाँ भी लूटपाट की थी आकाश में तारे और प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इमॉर्टल मोस्ट एशियंट वर्ल्ड, अगर ये जारी रहा तो इसके रिसोर्सेज और छोटे होते जाएंगे और एक बार अगर कोई और खत्म हुआ तो हमारा वॉइड खत्म हो जाएगा और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड तहस नहस और इसके बाद सब कुछ शून्य में बदल जाएगा। और इस सिचुएशन को तोड़ने का एक ही तरीका है कि अब हमें इसको फॉलो करना होगा। इसीलिए हमें इस सिचुएशन को आखिरकार बनाए रखने के लिए अब इसे फॉलो करना होगा। हालांकि ये लोग तुरंत ही नहीं हिले होते बल्कि एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, जो देखकर वो बंदा कहता है इसके बारे में बोलते हुए, लेकिन अभी भी कुछ परेशानियां हैं। इमॉर्टल मोस्ट एशियंट ऑर्डर को रखने वाले ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि ऑल सेंट डेमन रियलम में नहीं है, तो आइए उन्हें इकट्ठा करने के लिए हम उन्हें खुद क्यों नहीं खोजते। हम उन्हें जल्दी एक साथ इकट्ठा करेंगे और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ग्रेट मास्टर को उन्हें देखने के लिए हॉल में लेकर आएंगे। जो सुनकर ये जो ग्रेट मास्टर होता है तुरंत ही अपना सेल आता है, जिसके बाद जो ये सफेद बालों वाला खुसट बुढ़ा होता है जो काफी जवान होता है वो तुरंत ही कुछ जेट पर्चियां निकालता है और उन्हें सभी की तरफ डाइवर्ट कर देता है। वो तुरंत ही कहता है, आप में से हर एक गॉड उनमें से एक की तलाश करेगा और अगर आप लोग अलग अलग काम करते हैं तो आपको आधे एफर्ट के साथ 2 गुना रिजल्ट मिलना चाहिए। इन 10 जेट पर्चियों में 10 अलग अलग नाम होते हैं और उनकी डिटेल जो इस जेट पर्ची में स्पष्ट तौर पर दी गई होती है और बिना देर के हर कोई यहाँ पे खोजबीन के लिए निकल जाता है। साथ ही यहाँ पे ये भी था कि अगर इनमें से कोई मोस्ट इमॉर्टल वर्ल्ड से नहीं है तो उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और ये सुनकर सभी लोग अपना सिर हिला देते हैं। वर्ड्स के गिरने के बाद हर एक पर्सन की बॉडी में हरकत होती है और सभी लोग हमें गायब हो चुके होते हैं। यहाँ तक हर कोई इतना ज्यादा पावरफुल था कि वे अपने ऑरे को छिपाते हुए नजर आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद बादलों में एक खूबसूरत फिगर दिखाई देती है जिसके हाथ में एक जेट की स्लिपर टंगी हुई होती है और वो उस नाम को देखकर अपनी भुवें उठाती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ आखिरी नाम जोंगू था। जो देखकर ये तुरंत ही कहती, क्या ये आखिरी एक्सचेंजर है? क्या लकी पर्सन है? फिर उसे सूरज स्लैब डिवाइन पैलेस में होना चाहिए, उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। और यह कहकर यह ब्यूटी जेट से पटाके शुरू कर देती है अपनी ड्यूटी और इसकी ब्यूटीफुल फिगर थोड़ा सा मूवमेंट करती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे बादलों के बीच ये नाचते हुए और गुजरते हुए गायब हो रही हो। और अगर जिन कैंग इस ब्यूटी को देखता तो वो तुरंत ही से पहचान जाता है, यह हॉल ऑफ ऑल सेंट की गॉड यू या होती है, यू यान, जिसने जिन कैंग के कंटाप में टॉपम टाप थप्पड़ बजाया था। साथ ही इस टाइम पे जो पैलेस के अंदर युआन होती है अपनी सीट में बैठी हुई होती है और उसके हाथ में एक पिल होती है जिसे वो अपनी ब्यूटीफुल आइज के साथ देख रही होती है और अचानक ही वो इस पिल को फिर अपने मुंह पे रख लेती है और उसके चेहरे पे काफी सेटिस्फाइड स्माइल होती है। वो तुरंत ही कहती है, वास्तव में इस पिल का टेस्ट काफी अच्छा है। हालांकि ऐसा लगता है कि रिफाइनिंग टेक्निक ज्यादा शानदार नहीं है, लेकिन रिफाइनिंग के लिए यूज की गई फ्लेम उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, यानी कि इस लेवल पर उसे केवल एक डिवाइन एल्केमिस्ट होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जिसे मैं रिफाइन करना चाहती हूँ। और उस पिल को बनाने के लिए ये जो लेवल है वो अभी भी अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी ये पिल वास्तव में काफी सेटिस्फाइंग है और स्वादिष्ट भी, अगर हम इसे केवल रिफाइन करने का ही काम सौंपते हैं तो ये शायद उतना अच्छा नहीं होगा। साथ ही जो लड़की होती है युयान, इसका नाम था क्यानिंग, इसने गोल्डन कलर की पोशाक पहनी हुई होती है, इसके जो वाल होते हैं काफी सिल्वर कलर के हेयरपिन के साथ जुड़े में बंधे हुए होते हैं और इसके पैर एकदम लोटस की तरह हिलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और ब्यूटी तो अनबिलीवेबल,
कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता इतनी ब्यूटीफुल। सच उसके लंबे बाल एकदम परी की तरह दिख रहे होते हैं, और अगर इस टाइम पे जोयान उसके हाथ के उस पिल को देख पाता तो वो एक पल में बता देता कि ये पिल थी तियानलिंग पॉइजन ब्रेकिंग पिल। साथ ही बात सिर्फ इतनी थी कि ये वो पिल है जो पॉइजन के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और कम कर सकता है, लेकिन क्यानिंग के लिए बिल्कुल मीठी गोली की तरह लग रहा होता है जिसे वो केवल टेस्ट के लिए खा रही है। दोस्तों हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सिचुएशन को तोड़ने के लिए हजारों बदलावों को हमें सोचना होगा, साथ ही इससे भी ज्यादा एशियंट गेट जो चिमी क्लेन से रिलेटेड है। हालांकि चिमी क्लेन का बारे में मैंने लॉन्ग टाइम से नहीं सुना और ये पराजित हो चुका एक क्लेन है। ऐसा लगता है इमॉर्टल मोस्ट एशियंट वर्ल्ड से उनका नामोनिशान पहले से ही गायब हो चुका है। तो क्या बात में सिचुएशन को तोड़ने का हमारे पास अब कोई तरीका होगा? लेकिन हम एक टाइम पे केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। हालांकि कैओस डिवाइन रियलम में काफी सारी बातें सच और काफी गल्द भी, और इमॉर्टल मॉन्स्टर एशियंट वर्ल्ड की प्रेजेंट टाइम की समस्याओं को हम सुलझा रहे हैं। साथ ही मैंने अभी भी अपने सारे काम समाप्त कर लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि नंबर 9 आखिरकार क्या चाहता है। उसने कहा कि वो इमॉर्टल मॉन्स्टर एशियंट वर्ल्ड में आना चाहता है, साथ ही वो ताइक्सू से आया था। साथ ही ल्यू के साथ बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि ज्यू की पहचान निश्चित तौर पर ताइक्सू से नहीं थी, लेकिन ये वास्तव में एक बड़ी बात है कि अगर वो इमॉर्टल मॉन्स्टर एशियंट वर्ल्ड में आ सकता है तो हमारा एशियंट वर्ल्ड वो ठीक भी कर सकता है। हालांकि उसकी एल्केमी स्किल बहुत ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन उसकी ताकत काफी अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता है उसकी ताकत के साथ ये ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी। साथ ही मुझे ये भी नहीं पता कि नंबर 9 लड़का है या लड़की। ये इस टाइम पे खुद से ही बड़बड़ा रही होती है और उसके हाथ में पड़े हुए व्हाइट कलर के जेट पेंडेंट को नीचे और ऊपर उछाल रही होती है और उसके साथ खेल रही होती है। और ये जेट पेंडेंट कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, बिल्कुल ये वैसे ही जेट पेंडेंट था जैसे जो यान के हाथ में था, यानी कैओस गॉड रियलम का जेट पेंडेंट। साथ ही महल में लोटे जैसे पैरों के साथ चलती हुई कियानिंग की आंखें और भी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से चारों तरफ देख रही होती हैं। हालांकि इस टाइम पे कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था। साथ ही एक पल तक यहाँ पे खेलने के बाद जो ये कियानिंग होती है ये यहाँ से गायब हो जाती है। साथ ही सूरा गॉड स्लेव हॉल में तियानसुंग और जोयान के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, और ये वास्तव में सरप्राइज की बात होती है कि क्या तियानसुंग जो 9 स्टेप एम्परर इमॉर्टल लेवल का बंदा है वो डिवाइन स्लेव भी वास्तव में जाल में फंस जाएगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जोयान ने धीमी आवाज में तियानसुंग से ऐसा कहा होता है, जो देखकर तियानसुंग तुरंत ही कहता है इसका आपसे क्या लेना देना। तियानसुंग को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसकी आंखें एकदम कोल्ड और हार्ड हो चुकी होती हैं। वो तुरंत ही कहता है ऐसा लगता है कि 9th स्टेप के बंदे का सामना करते हो आपकी फट रही है, इसीलिए आप ऐसा कहने की हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, चलिए अब फाइट स्टार्ट करते हैं। जो देखकर जोयान कहता है मैं डर के बारे में बात नहीं कर रहा, बात सिर्फ इतनी है कि मैंने कभी भी पहले 9th स्टेप के एम्परर इमॉर्टल लेवल जैसे किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को नहीं मारा, इसलिए मैं बस थोड़ा सा एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पहली इस लेवल की किलिंग होने वाली है। आप लकी हैं कि आप फर्स्ट हैं। जो यान की बात को सुनकर तो तियानसुंग की आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा छा गया होता है क्योंकि उसे कोई तत्कालीनता महसूस ही नहीं हुई थी। उसे लग रहा था ये कैसा बंदा है जिसके पास ऐसा कॉन्फिडेंस है। वो तुरंत ही कहता है आप मेरे एक अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं चुटकी में चुटकी बजा के आपको मार सकता हूँ। बेटा छोटा भी गदा घुसेड़ देगा नीचे, यह चुटकी मारेगा, देख रहा है चुटकी बजाएंगे लौंडे, चुटकी से छोटा भीम बजाएगा। वैसे यार कौन कौन से कार्टून देखे तुम लोगों ने? मैं तो यार बहुत सारे देखा हूँ, छोटा भीम, डोरेमोन, शिनचैन, ऑगी, कॉकरोच, बबलू डब्लू, मोटू पतलू, निंजा हथौड़ी, अबे कितने सारे देखे हैं बे। पावर रेंजर भी था साला, आधे से ज्यादा तो भूल गए बे। बताइयो जरा तुम लोगों ने कौन कौन से देखे। तब तक अपन चलते हैं एपिसोड के आगे। यहाँ पे तियानसुंग को अब कुछ शक हो रहा होता है जोयान की पावर को लेकर। कम से कम उसने कभी भी ऐसे बंदे को नहीं देखा था जो 5 स्टार की पावर लेकर 9 स्टार के बंदे के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ और डेथ की चिंता किए बगैर खड़ा हुआ हो। इसीलिए दोनों ने बातचीत के दौरान तियानसुंग 9 स्टेप के एम्परर इमॉर्टल लेवल की पावर को अचानक ही स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके बाद जोयान कहता है तो वास्तव में कृपया योर हाइनेस तियानसुंग को एक्शन लेने के लिए कहें। और जोयान अपने हाथ को उठाकर तियानसुंग की तरफ उंगली बढ़ाता है। तियानसुंग की आंखें एकदम कोल्ड हो चुकी होती हैं और वो जोयान की 5 उंगलियों को हवा में ही पकड़ लेता है और तुरंत ही कहता है तियान जी टेक्निक 3rd टेक्निक घोस्ट कैप्चरिंग क्लॉ और एक अनबीटेबल खतरनाक ब्लैक पाम जो यान की तरफ बढ़ने लगती है, मानो ये जोयान को टुकड़ों में कुचल रही हो। और अगले ही पल जोयान की फिगर उसे क्लॉ में ढक चुकी होती है। जो देखकर तियानसुंग कहता है क्या अब आपका बचना इम्पॉसिबल है, क्या अब आपको डर लग रहा है? हालांकि यहाँ पे तियानसुंग ये सब कहते हुए बड़बड़ा रहा होता है, हंस रहा होता है, जोयान का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ही ये जो ब्लैक मिस्ट होती है फट जाती है और उससे एक फिगर सीधे ही बाहर निकलकर तियानसुंग की तरफ जाती है और तियानसुंग को उसके सीने की तरफ
कोई अचानक ही ठंडक महसूस हो रही होती है। साथ ही एक दूसरे का सामना करते हो ऑब्वियसली। 9 स्टेप के बंदे को 5 स्टेप के बंदे से क्यों ही डरना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे डॉच भी नहीं करता तो भी 5 स्टार के बंदे के अटैक उसे कितना ही हर्ट करेगा। लेकिन फिर भी ध्यानसू ने मोटल पावर से कवर अपने हैंड को उठाता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सामने की तरफ बजा देता है, जिसके बाद टकराने की आवाज आती है और ये आवाज काफी ज्यादा तेज होती है और एक पल में भयानक पावर का फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैल चुका होता है और गोल्डन शील्ड पर एक खतरनाक आवाज सुनाई दी होती है और तुरंत ही काफी सारी लाइन्स दिखाई देती हैं। जैसे ही ये पाम अटैक ध्यानसू से टकरा होता है, जो पीछे की लेयर होती है उसमें क्रैक्स बनने लगे होते हैं और तुरंत ही ज्यादा दर्जन भर स्ट्रांग लोग तुरंत ही इसे वापस से ठीक करने के लिए आ चुके होते हैं। आखिरकार 2 मोटर लेवल के वॉरियर्स के पंचों की पावर को कम करके यहाँ का नहीं जा सकता था। साथ ही इस पावर का जो फ्लक्चुएशन या इम्पैक्ट था वो इतना स्ट्रांग था कि एक मीडियम साइज का जो स्टार होता है इस टक्कर के साथ डिस्ट्रॉय होने के लिए पहले से ही काफी होता। जो देखकर एक बंदा तुरंत ही कहता है, ये तो अच्छी बात है कि ग्रेट मास्टर ने इतनी पावरफुल चीज को पीछे छोड़ दिया डिफेंस के लिए, वरना हम इतने स्ट्रॉन्ग बैटल को इतनी क्लोज से कभी भी नहीं देख पाते। और यहाँ पे दोनों लोगों को लड़ता हुआ देखकर सूर्य डेवन स्लेव हॉल में जयकारों की आवाज आ चुकी होती है। सभी लोग इस टाइम पे अपनी अपनी जो पॉइंट होती है उसकी सट्टेबाजी को भूल चुके होते हैं और फाइटिंग मूवमेंट को देख रहे होते हैं, क्योंकि स्ट्रांग लोगों के बीच के बैटल को देखना कई लोगों के लिए सबसे पसंदीदा चीज थी और ये काफी रेयर था कि उन्हें ऐसे बैटल देखने को मिले। दोस्तों जिन कैंग जब एरिना की तरफ देखता तो उसका सिर सिकुड़ चुका होता है और ज्वान को देखकर वास्तव में जो ध्यानसून से लड़ रहा था उसका पहला रिएक्शन यही था कि ध्यानसून आसानी से मार सकता है। ज्वान जिन कैंग का दिमाग घूम चुका होता है और ध्यानसून को अपने गले पर हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। वो तुरंत ही कहता है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो तुम मौके पर ही मार दिए जाओगे। मुझे लगता है 9 स्टेप की पावर के साथ तुम 1 अगरबत्ती जलने जितने टाइम के अंदर उसे मार सकते हो, नहीं शायद इससे आधे टाइम के अंदर ही। अगर तुमने इतने में उसे नहीं मारा तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही जिन कैंग की नाराजगी भरी आवाज आती है ध्यानसून का दिमाग ही घूम उठा होता, उसकी आंखें अचानक ही उदास हो चुकी होती हैं, क्योंकि उसके पास लैब मार्क को छोड़ने का कोई भी तरीका नहीं था, इसीलिए वो केवल इसे आजमा सकता था। साथ ही साथ ना तो वो और ना ही निंग्याओ दोनों ही ये टेक्निक में अच्छे नहीं थे, यानी कि फॉर्मेशन टेक्निक में, इसलिए उनके लिए इसे तोड़ना मुश्किल था और केवल एक ही तरीका था जो निश्चित तौर पर सक्सेसफुल हो सकता था और वो था सेल्फ डिस्ट्रैक्शन और अपनी बॉडी को फिर से रिक्रिएट करना। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी फिजिकल बॉडी को खुद डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे उनकी ताकत निश्चित तौर पर कम हो जाएगी और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए ऑब्वियसली वो अपनी फिजिकल बॉडी की पावर को फिर से कम नहीं करना चाहेंगे। साथ ही साथ भले ही वो यहाँ पे अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर ले और स्लैब मार्क से छुटकारा पा ले, फिर भी वो यहाँ से भागने में कैपेबल नहीं होंगे, इसलिए ध्यानसून तुरंत कहता है, डैम इट, एक दिन जब मैं स्लैब मार्क से फ्री हो जाऊँगा तो इस मैल की लाइफ और डेथ को मैं और भी बदतर कर दूंगा। ध्यानसून मन में सोच रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि एक बड़ी पावर उसके सामने आ रही है। न केवल टकराव के दौरान वो कमज़ोर महसूस नहीं हुई बल्कि उसकी पावर और बढ़ती जा रही होती है। वो तुरंत ही कहता है कि उसकी शक्ति और स्ट्रांग कैसे हो सकती है। इस टाइम पे अचानक ही उसकी जो फिश होती है उससे बड़ी पावर फूटती है और ये पहले की ध्यानसून अचानक रिएक्ट कर पाता। अचानक ही एक फिश आ चुकी होती है और तेजी से ध्यानसून की चेस्ट पर लगती है, जिससे ध्यानसून की बॉडी के जो कपड़े होते हैं वो बिखर जाते हैं, जिससे उसका डिफेंस आर्मर आखिरकार सो हो चुका होता है और उसकी बॉडी अचानक ही दर्जनों फीट तक पीछे की तरफ चली जाती है। और इससे पहले कि वो अपनी बॉडी को स्टेबल कर पाता वो जोर से जमीन पे कदम रखता है और आंखें डरावनी होती हैं। फिर वो अपने इनर आर्मर को देखता है और अपना सिर नीचे करता है तो उस पे वो फिस्ट के निशान को देख सकता था। हालांकि वो तुरंत ही आगे की तरफ देखकर जोयान की फिगर के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन वो देखता था कि जोयान की फिगर तो आगे से गायब हो चुकी है। जो देखकर वो तुरंत ही कहता वो गायब हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो अचानक कैसे गायब हो सकता है। डिवाइन स्लैब हॉल में भी सभी की नजरें यही होती है और वो तुरंत यही कह रहे होते कि वो कहां गया। वो केवल यहां पे ध्यानसून की मैट फिगर को देख सकते थे लेकिन वे जो यान को नहीं देख सकते थे। जो देखकर ध्यानसून फिर से सीधा खड़ा हो जाता है और पिछले टकराव में वो महसूस कर सकता था कि जिस प्रतिद्वंदी का वो सामना कर रहा है उसकी पावर निश्चित तौर पर 5 स्टेप पर तो बिल्कुल नहीं है। वो तुरंत ही कहता है कि ये वास्तव में एक इमॉर्टल बॉडी है। ध्यानसून खुद से ही बतबताते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी निंग्याओ द्वारा दिए गए पॉइजन का यूज़ मुझे यहाँ पे करना होगा, लेकिन इससे पहले मुझे ये देखना होगा कि क्या आप इससे निपटने के लिए पॉइजन पिल का यूज़ करने लायक हैं। साथ ही ऐसा लग रहा होता है कि ध्यानसून बिल्कुल सरप्राइज नहीं था कि ये फिस्ट अटैक उसे मारा गया था, क्योंकि ध्यानसून यहाँ पे केवल इमॉर्टल पावर से घिरा हुआ था और अपनी ट्रू पावर का यूज़ नहीं कर रहा था, इसलिए उसके ऊपर अटैक किया जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसके बाद अचानक ही ध्यानसून जोयान को देखता है लेकिन जोयान उसे नहीं मिलता, तो वो अचानक अपने हाथों में एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है और तुरंत ही कहता है,
नाइन्थ टेक्निक स्काई फिलिंग या कैप्चरिंग घोस्ट। ध्यान सुन के पैरों के नीचे से अचानक ही ब्लैक मिस्ट की एक लेयर निकलती है जो पूरी साइड पर फैल गई होती है और एक दलदल में बदल चुकी होती है। अनगिनत घोस्ट इसमें से फैल गए होते हैं और मैदान के चारों तरफ घूमने लगे होते हैं। त्यानसुन इसका यूज जोयान को घोजने के लिए करना चाहता था। भले ही यहाँ पे त्यानसुन तुरंत ही वाटर पावर का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये खतरनाक पहले से ही आ चुकी होती है पावर। और इस टाइम पे त्यानसुन के ऊपर एक से ज्यादा पंचर्स गिरते हैं। उसकी बॉडी पे इमॉर्टल पावर इंच दर इंच ढह रही होती है और त्यानसुन के इनर ऑर्गन्स लड़खड़ा रहे होते हैं। उसकी बॉडी पर काफी सारे गोल्डन फिश के मार्क दिखाई दे रहे होते हैं जिससे बड़ी मात्रा में ब्लड निकल रहा होता है और उसकी आंखें डरावनी होती हैं। साथ ही जब उसकी बॉडी पीछे की तरफ गोली मारती है तो वो पहले से ही एम्बेरस था और रुकने से पहले वो सील्ड के किनारे से जोरदार तरीके से टकराते हुए कहता है, दिलचस्प, क्या आप अभी भी लोगों के दिलों को देखने में कैपेबल हैं? त्यानसुन ने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में होटल मॉस्टर एशियन बर्ड के अंदर कोई भी उसे पहचान पाएगा। आखिरकार इस इंटरमोटल बर्ड में वो कभी भी नहीं आया था। साथ ही साथ सामने वाले बंदे ने मुखौटा पहन रखा था और अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, इसीलिए ऐसा लग रहा होता उसे कि शायद सामने वाले बंदे को मेमोरी पढ़ना आता है। त्यानसुन यहाँ से मुंह से खून उगल रहा होता और दर्द को बर्दाश्त कर रहा होता है और तुरंत ही अपनी इमॉर्टल पावर का यूज करते अपनी सभी चोटों को क्योर करता है। ऐसा लग रहा होता है इमॉर्टल्स के बीच की जो ये फाइट है इसमें आसानी से किसी को नहीं कुचला जा सकता। सत्य अपोनेंट के बीच केवल या एक या दो एक्सचेंज के साथ फाइट को खत्म नहीं किया जा सकता। पावरफुल इमॉर्टल पावर आपको खतरनाक रिकवरी स्पीड और पावर देती है और जब तक कि लड़ाई उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती जहां दोनों ही लोग थक जाएं या फिर चोट लगने की जो पावर है और स्पीड वो इमॉर्टल पावर की रिकवरी स्पीड से ज्यादा हो तब तक आप ऑब्वियसली बच नहीं सकते, मतलब हार नहीं सकते। लेकिन जाहिर सी बात थी कि त्यानसुन इस बार शाकाहारी नहीं था। आखिरकार वो नाइन स्टेप एम्परर इमॉर्टल लेवल पर है यानी गॉड इमॉर्टल लेवल से केवल एक स्टेप दूर, यानी कि जो यान का ये जो अटैक था उसे लेकर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही भले ही उसने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई हो लेकिन वो पहले से ही अपनी पावर को एनालाइज करने के लिए तैयार था। तभी जॉन कहता, अगर ऐसा है और तुम इस बैटल को जीतना चाहते हो तो अभी भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत है और एक खूनी बैटल लड़ने की। जॉन ने अपनी फिस्ट को भींच लिया होता न केवल उसे एक ऐसी लड़ाई की जरूरत थी बल्कि वो पहले से स्प्रिट किंग को मारने के लिए एक चांस को भी क्रिएट करना चाहता था। हालांकि निंग या पॉइजन देने में अच्छा, लेकिन त्यानसुन उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए त्यानसुन से निपटना सबसे अच्छा तरीका था। तभी एक आवाज आती है, त्यानसुन तुम क्या कर रहे हो? ये सिर्फ एक फिफ्थ स्टेप है, जहां तक इसे मारने की बात है मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पे त्यानसुन के कानों में एक आवाज जाती है जो जिन कैंग की आवाज होती है, जो देखकर जो त्यानसुन होता है वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, सोर। और अचानक ही अब त्यानसुन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और खतरनाक तरीके से दहाड़ते हुए सीधा ही फर्स्ट फ्लोर पर जिन कैंग की तरफ देखता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो जिन कैंग को हराना चाहता था और जिन कैंग को मांस के पेस्ट में बदल देना चाहता था। जैसे ही ये आवाज गूंजती है सूरा गॉड स्लेव पैलेस पूरी तरीके से गूंज उठा होता है, यहाँ तक कि डिफेंस बैरियर भी पूरी तरीके से हिल चुका होता है। साथ ही ये प्ले जो त्यानसुन का प्रेशर होता है चारों तरफ फैल चुका होता है जिससे काफी सारे लोगों को अपनी छाती में जकड़न महसूस होती है और कुछ लोग तो खून की उल्टियां करने लगते हैं। साथ ही इस टाइम पे झोंगू भी इस बैटल को देखकर घबरा चुका होता है और उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि उससे कुछ ही दूरी पर एक ब्यूटीफुल फिगर बैठी हुई होती है। हालांकि जब ये अचानक एक आवाज आती है, कितना पावरफुल डिवाइन स्लैब है झोंगू दाऊ जी, आप तो सच में काफी लकी हैं। आपको ये डिवाइन स्लैब आखिरकार मिला कहाँ से? जैसे ही झोंगू कांस्टेंट तरीके से बैटल देख रहा होता है इस प्यारी सी आवाज को सुनकर, झोंगू अचानक पीछे की तरफ देखता है और उसके बगल में वही ब्यूटीफुल फिगर होती है जिसे देखकर झोंगू इतना ज्यादा डर गया होता है जैसे उसने वास्तव में किसी शैतान को देख लिया हो। वो तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा होकर रिस्पेक्टेडली झुकते हुए ग्रीट करते हुए अपनी आंखें नीचे कर लेता और उसका चेहरा एकदम लाल होता है। वो तुरंत ही कहता है, गॉड युआन, मुझे क्षमा करें, मैंने पहले आप पर ध्यान नहीं दिया था कि आप यहाँ पर हैं। दोस्तों युआन की जो खूबसूरत आंखें होती है वो हल्का सा मुड़ती है, ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर कोई भी गुस्सा नहीं था और वो धीरे से अपने हाथ को उठाते हुए कहती है, कोई बात नहीं झोंगू दाऊ जी, आप यहाँ बैठ सकते हैं, आइए बैटल देखते हैं। जो सुनकर इस टाइम पे झोंगू अपने दांतों को पीस लेता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी खतरनाक लड़की के साथ इतना खतरनाक बैटल उसे देखना पड़ेगा। इस टाइम पे जॉन का ध्यान भी अट्रैक्ट होता है और वो युआन की तरफ देखता है। जॉन को पता था कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। दूसरा झोंगू का तो दिल एकदम तेजी से धड़क रहा होता है, ऐसा लग रहा होता वो अपनी सीट में ही जम चुका हो। तभी युआन तुरंत ही कहती है, जब आप मुझे देखते हैं तो आप इतना घबरा क्यों जाते हैं झोंगू दाऊ जी? मुझे याद है कि मैंने कभी भी आपके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं किया, आपको बैठ जाना चाहिए, ये बैटल वास्तव में काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा झोंगू तो पसीना पसीना हो चुका होता है और बड़ी मुश्किल से रिएक्ट कर पा रहा होता है, वो अपने दिल के शौक को दबाने में कैपेबल ही नहीं था। वो बस यही सोच रहा होता कि काश जो यान यहाँ पे हार एक्सेप्ट कर ले और वो यहाँ से जल्द निकल जाए। हालांकि झोंगू की जॉन की ताकत के बारे में बिल्कुल यकीन नहीं था। साथ ही जोयान को देखकर जो इस टाइम पे नाइन स्टेप के एम्परर मॉडल से लड़ रहा था वो काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है, उसके पास इतनी पावरफुल फिजिकल बॉडी, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक इमॉर्टल बॉडी हो?
ये उसके खोजे जाने के पहले का टाइम है और यह बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो बेनकाब हो जाएगा। इस टाइम पे जोंगू को बेचैनी महसूस हो रही होती है और वो युआन को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा होता। साथ ही युआन के आने के बाद ऑब्वियसली थर्ड फ्लोर था जो एकदम शांत हो चुका होता है। साथ ही युआन को देखकर यहाँ पे सभी की आंखें लगभग खुशी से भरी हुई होती है। आखिरकार दाऊजी के ऊपर की जो पोजीशन है वो गॉड पोजीशन है जो ऑल सेंट डेमेरियलम के ऊपर हावी हो सकती है और पावरफुल पर्सन है, इसलिए कोई भी उनके सामने गलती करने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि जिन कैंग भी इस टाइम पे शॉक होता है और उसकी आंखें गुस्से से चमक रही होती है, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा होता क्योंकि उसने देखा था कि त्यानसून अभी भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहा जबकि दूसरी पार्टी वाला बंदा अभी उसे बुरी तरीके से पेल रहा है। हालांकि इस टाइम पे त्यानसून की स्पीड बढ़ गई होती है और हैंड प्रिंट साइन भी तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है मानो उसने अपने हाथ को वॉइड में डाल दिया हो और अचानक युआन की बॉडी हिल जाती है और अगले ही पल ये टुकड़े टुकड़े हो गई होती है। अगले ही पल ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वो तुरंत ही कहता है स्काई ब्रेकिंग टेक्निक। युआन को याद है कि फाइटिंग गॉड अलायंस के नेता जिन त्यानबेई ने डिवाइन पनिशमेंट अलायंस में फाइट के दौरान इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था और जिन त्यानबेई के अकॉर्डिंग ये जो टेक्निक थी वो ईविल लॉर्ड से आई थी। और जब जिन त्यानबेई ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था तो उसकी पावर पहले से ही काफी खतरनाक थी, तो त्यानसून की तो पावर के बारे में बात ही करना बेकार है जो जिन त्यानबेई के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन बेशक अब जो यान वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। यहाँ पे जॉन ने भी अपनी फिस्ट को भींच लिया होता है। जॉन तुरंत ही कहता है हेवन डेमन ट्रांसफॉर्मेशन 82 फिस्ट, मैंने ये कभी भी फुल पावर के साथ नहीं मारे। जॉन की मॉर्टल पावर अचानक ही बढ़ने लगती है और पावरफुल ब्लड एनर्जी में ब्लास्ट होने लगता है। जॉन की बॉडी हिलती हुई महसूस हो रही होती है और सीधा ही त्यानसून की तरफ उड़ रही होती है। और इस टाइम पे त्यानसून जब जॉन को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा गुस्से में चमक रही होती है और उसके हाथ अचानक ही कांपने लगते हैं जैसे वो जॉन को फाड़ने के लिए एकदम तैयार हो। और अचानक वो अपने हाथ को जमीन में आसमान की तरफ बढ़ा देता है और एक तेज पावर जो यान की तरफ बढ़ने लगती है। उसी टाइम पे जॉन का फिस्ट अटैक भी आ चुका होता है और एक तेज खतरनाक ब्लास्ट की आवाज आती है। ये जो फिस्ट होती है इसकी आवाज एकदम थंडर स्ट्राइक की तरह होती है और गोल्डन लाइट चारों तरफ चमक रही होती है और फिस्ट की इस इमेज ने त्यानसून को काफी ज्यादा हैरान कर दिया होता है। यहाँ तक कि उसकी जो स्काई ब्रेकिंग टेक्निक होती है उसके साथ भी ये फाइट करती हुई दिख रही होती है। इस टाइम पे जॉन को लग रहा होता है कि जिन त्यानबेई के इस टेक्निक को परफॉर्म करने में बहुत बड़ा अंतर था। साथ ही इस टेक्निक के अंदर पावर ऑफ लॉ के कारण जॉन इसे रोकने के लिए पूरा ट्राई कर रहा था लेकिन लगभग जॉन को मौत के घाट ही उतार दिया गया था। हालांकि बेशक जॉन के पास उस टाइम पे ऐसी पावर नहीं थी लेकिन इस टाइम पे जॉन के मुखौटे के नीचे फोरहेड पर 7 स्टार जिल में ला रहे होते हैं। हालांकि 7 स्टार यहाँ पे ओरिजन गॉड के थे लेकिन जॉन के हेड के भी 2 स्टार थे यानी कि इसकी पावर 7 स्टार के ऊपर की थी। साथ ही हर बार जब 82 गॉड फिस्ट यूज की जा रही होती है तो यहाँ पे जो गोल्डन शील्ड बनी हुई होती है वो कांप रही होती है। साथ ही काफी सारे लोग जब इतनी खतरनाक फाइट देखते हैं और जॉन द्वारा बरसाए जा रहे मुक्के वो तुरंत ही कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये फॉर्मेशन बैरियर अब ब्रेक होने वाला है और देर तक नहीं टिक पाएगा। चिंता भरी आवाजें चारों तरफ गूंज रही होती है। हर कोई इस फाइट को देख रहा होता है और अपनी जॉन को जोखिम में नहीं डालना चाहता। तभी एक बंदा तुरंत ही कहता है चिंता मत करो, ये वो चीज है जो ग्रेट मास्टर अपने पीछे छोड़कर गए हैं। ऑब्वियसली कोई भी आसानी से इसे ब्रेक नहीं कर सकता। हालांकि जैसे जैसे जॉन के फिस्ट के अटैक सुनाई दे रहे होते हैं त्यानसून पागलों की तरह दहाड़ रहा होता है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। साथ ही उनकी तेज आवाज के साथ हॉल अचानक ही शांत हो चुका होता है। ऐसी फाइट किसी की भी फाड़ देने के लिए काफी थी। दूसरा पाला की जो फॉर्मेशन होती है ग्रेट मास्टर द्वारा छोड़ी गई थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि फॉर्मेशन को कंट्रोल करने और बनाए रखने वाले लोग अब पर्याप्त स्ट्रांग नहीं थे। पूरे हॉल में हंगामा मच चुका होता है। आखिरकार अगर फॉर्मेशन बैरियर टूटा गया तो दोनों के बीच की जो वाइल्ड पावर है वो 100 गुना खतरनाक होगी जो यहाँ के लोगों को आराम से मार सकती है। यहाँ तक कि कई लोगों को तो अपने दाव और कंट्रीब्यूशन पॉइंट की भी परवाह नहीं थी, वो केवल यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था कि अपनी जान बचाना चाहते थे। हालांकि इस टाइम पे युआन अचानक अपने हल्के से हाथ को हिलाती है और थर्ड फ्लोर पर एक ताजी हवा चलती है और इसके बाद अचानक ये एयर गोल्ड सील के साथ चिपक चुकी होती है और ये डैमेज गोल्ड सील एकदम ठीक हो चुकी होती है। जो सोच कर सभी लोग तुरंत कहते हैं चिंता मत करो, सब लोग लॉर्ड युआन यहाँ पर है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा लग रहा होता कि ये बंदा यहाँ पे सभी को तसल्ली दे रहा था और अचानक ही चारों तरफ का कैओस शांत हो चुका होता है। साथ ही इस टाइम पे पूरे हॉल में काफी वाइल्ड ब्लास्ट हो रहा होता है। साथ ही यहाँ पे 2 फिगर्स को काफी खतरनाक तरीके से पीछे की तरफ जाता हुआ देखा गया था और ये जगह क्योंकि ज्यादा चौड़ी नहीं थी ये एक के बाद एक पीछे की सील से जाकर टकराते हैं। साथ ही जब दोनों ही आगे की तरफ आते तो उनके मुंह से खून बह रहा होता है। जाहिर सी बात है कि अभी की टकराव में किसी को भी फायदा नहीं हुआ था। साथ ही ऐसी चोटें दोनों को कोई भी खतरा पहुंचाने लायक नहीं थी। तभी त्यानसून कहता है ओरिजन गॉड की आर्ट स्किल, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ओरिजन गॉड क्लेन से है। त्यानसून समझ गया होता है कि लॉन्ग बियाओ आखिरकार क्यों हार गया क्योंकि अगर आप इमोर्टल ऑरे को देखते तो वास्तव में यह 5th स्टेप हो सकता है लेकिन ओरिजन गॉड क्लेन ऑरे पे घंटा बिलीव नहीं करता। उनकी असली पावर तो उनकी इमोर्टल बॉडी होती है
साथ ही ऐसा लग रहा था कि त्यांसु ने इस पॉइंट तक भी जो यान की आइडेंटिटी पे शक नहीं किया था। वास्तव में जॉन यहाँ पे खुद को रिवील करने से डरता नहीं है, लेकिन क्योंकि जॉन सेनेक्सी को छोड़कर आ चुका था तो जॉन को इन्हें यहाँ मारना ही होगा। दोस्तों जॉन भी कहता है कि आप दी सेनेक्सी वर्ल्ड के स्पिरिट किंग नहीं है। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड अब यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो फटाक से लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय फैमिली, गुड आफ्टरनून अबे साला, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।